खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो हर तरफ भारत की वाहवाही हो रही है। अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में थे और वहां उन्होंने एक सभा में कहा कि विपक्ष ये खबर उड़ा रहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद बीजेपी सरकार अब पूर्वोत्तर राज्यों में आर्टिकल 371 हटाएगी। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 371 किसी भी कीमत पर बीजेपी सरकार नहीं हटाने वाली। जब संसद के अंदर धारा 370 को विलोपित करने के लिए मैं बिल लेकर संसद के सामने उपस्थित हुआ, राष्ट्रपति के संकल्प को लेकर उपस्थित हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि विपक्ष के द्वारा मैं 370 और 371 के बीच का अंतर समझाना था। 370 संविधान सभा ने टेम्पररी प्रोविजन करके रखा था, अस्थाई उपबंध था, और धारा 371 टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, विशेष प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर है और मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 371 और 371 ए टू जे का संपूर्ण सम्मान करती है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। तो अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई इरादा नहीं है आर्टिकल 371 हटाने का। अमित शाह जिस आर्टिकल 371 को नहीं हटाने की बात कह रहे हैं वो आखिर है क्या, उसका पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या महत्व है और वो कैसे आर्टिकल 370 से अलग है, अब ये भी जान लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 371 गुजरात, नागालैंड और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। आर्टिकल 371 के कई खंड हैं जो पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों पर लागू होते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को नागालैंड में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। नागालैंड के मामले में नगाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, इसके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, नागा परंपरा कानून के संदर्भ में संसद की कोई भी कार्यवाही लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 371 के तहत राज्य सरकार को पूरे राज्य की जमीन का अधिकार है। अनुच्छेद 371 बी के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानसभा की समितियों के गठन और कार्यों के लिए राज्य की जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दे चुने गए प्रतिनिधियों की कमेटी बना सकते हैं। ये कमेटी राज्य के विकास संबंधी कार्यों की निगरानी करेगी। राज्यपाल को हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस आर्टिकल के मुताबिक मिजोरम में सिर्फ वहां के आदिवासी ही जमीन के मालिक होंगे। मिजोरम के नागरिकों को उनके धार्मिक कानूनों, रीति रिवाजों और परंपरागत न्याय प्रणाली को मान्यता दी गई है। राज्यपाल के पास राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विशेष अधिकार हैं और इसके आधार पर मुख्यमंत्री के फैसले को रद्द किया जा सकता है।